जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं आपके साथ हूँ सोनू सिंह। मैं अभी समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा में मौजूद हैं और हसनपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक जी भी हमारे समक्ष मौजूद हैं और इनसे हम जानते हैं कि इस चुनाव में नया एजेंडा क्या है, इस चुनाव को लेकर इनके साथ इनके पास में। और दूसरी बात, मैं आपको बता दूँ कि हसनपुर विधानसभा से सिटिंग विधायक भी हैं और इस बार भी जनता में काफ़ी डिमांड है, जनता के लिए काफ़ी अपना कोरोना रूपी महामारी की बात किया जाए या इससे पहले भी काफ़ी तत्परता दिखाने का काम कर चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बेटी बिहार में आपका। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे क्षेत्र आए हैं और मेरी समस्याओं को, इस इलाके की समस्याओं को और मेरे द्वारा किए गए कार्यों को आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता ही नहीं सूबे बिहार में आप अपने चैनल के माध्यम से बताइएगा। सर, इस चुनाव को लेकर के क्या नया एजेंडा है आपको आपके पास? हम लोग तो सीधा इस बार का जो चुनाव है उसमें विकास, न्याय के साथ विकास जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किए हैं, विकास के मुद्दा हैं। और एजेंडा तो अभी 7 निश्चय पार्ट 2 का जो एजेंडा है माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं उसको हम लोग अपने क्षेत्र में बताएंगे लोगों को कि अगली जब सरकार बनेगी तो 7 निश्चय के पार्ट 2 की सभी योजनाओं को हम लोग लागू करेंगे। और जो पहले 7 निश्चय की योजनाएं हैं उसमें जो काम हो चुका है उसको हम लोग बता रहे हैं, जनता का काम भी हुआ है, सब समझ रहा है। तो एजेंडा यही होगा, विकास का एजेंडा होगा हम लोग को। सर, इस चुनाव को लेकर के हसनपुर विधानसभा में आप कितने प्रतिशत इस विधानसभा में वोटों पर नज़र है आपकी? देखिए, यहाँ हम लोग का जो क्षेत्र है यह काफ़ी दिनों से हसनपुर पिछड़ा था और इस इलाके की जनता के द्वारा जब से हम लोगों पे भरोसा और विश्वास जताया है उस समय से लगातार हसनपुर का जो विकास हुआ है वह यहाँ की जनता को सब समझ रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। इसलिए कि इससे पहले इस क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ था। इससे पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे या जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि थे इस इलाके में कुछ काम दिखाई ही नहीं देता। सड़क नाम का चीज़ नहीं था, पुल पुलिया नाम का चीज़ नहीं था, कोई सरकारी स्कूल कॉलेज अच्छी नहीं था। तो सीधा सीधी हम लोग का जो समय जनता ने दिया है, इस सेवा करने का अवसर दिया है, तो इस 10 वर्षों के दरमियान में इस इलाके में लगातार सभी पंचायत में विद्यालय निर्माण करवाए हैं, सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय की स्वीकृति, 9वीं की पढ़ाई चालू किए हैं। इसके बाद कई पंचायतों में हम लोग उच्च विद्यालय का भवन निर्माण कार्य पूर्ण करवा चुके हैं, लगातार इस हम लोग काम किए हैं। और जहां तक विकास की बात कर रहे हैं तो आप लोग भी सारे लोग इसी बिहार प्रदेश के व्यक्ति हैं, हम भी हैं। आप जिस इलाके से आते होंगे उस इलाके में भी आप देखे होंगे कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया है तो लगातार बिहार का विकास हो रहा है। और आप देख सकते हैं 15 वर्ष पूर्व बिहार की क्या स्थिति था, उजड़ा हुआ बिहार था, लूटा हुआ बिहार था, खाली बिहार था। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा शक्ति के बल पे सूबे बिहार में हर क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, सभी वर्गों के लिए काम लगातार मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। तो हम लोग सीधा सीधी अपने क्षेत्र के जनता के बीच लगातार घूमते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, उनकी समस्याओं से हम लोग रूबरू होते हैं। जो हम लोग के लायक समस्या है उनको सीधा हम लोग शीघ्र उसको निदान करने का प्रयास किए हैं और उनके विश्वास पे हम लोग खड़ा उतरे हैं। इसलिए इस इलाके में जब भी हम लोग घूमते हैं तो सारी समस्याओं से हम लोग अवगत हैं। लगातार विकास हुआ है, जनता के साथ हम लोग जो काम किए हैं, जनता यहाँ के NDA गठबंधन के जो शासन में माननीय मुख्यमंत्री और हम लोग जो यहाँ के स्थानीय MLA हैं उनसे जनता काफ़ी खुश हैं काम से। वैसे तो विपक्ष है, कितना भी काम कीजिएगा तो विपक्ष का काम है उस काम को नहीं बोलना, नहीं हुआ बोलता है।
बीते दिन दो टर्म से यहाँ का वर्तमान विधायक रहे हैं और आपने इतना बड़ा विकास करने का काम भी कर चुके हैं अपना विधानसभा में, तो अब उन्हें विकास की क्या जरूरत है? अगर आप तो फिर से अपना यहाँ से अपना आला कमान संभालते हैं और जनता अगर अपना आशीर्वाद दे करके आपको यहाँ का सत्ता का ताज आपको अगर हसनपुर विधानसभा के आपको पहना देता है, तो क्या उन्हें विकास की और विकास की क्या जरूरत है? विकास कभी कमता नहीं है, विकास बढ़ता ही है। जो हमने काम कर दिया, मान लिया जाए कि आपके गांव या मेरे गांव इलाके में अभी जो सड़क है वो ग्रामीण सड़क है, पतली सड़क है, उसको हम लोग फिर PWD में बदल करके चौड़ी करेंगे, ऊंची करेंगे, मजबूत बनवाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार में जो जनसंख्या बढ़ा है तो पहले के हिसाब से कहीं कहीं कुछ काम हुआ है। जहाँ जनसंख्या कम था, आबादी कम थी, गाड़ी नहीं थी, घोड़ा नहीं थी, लेकिन आज आप देख जिस गांव जाइएगा उस गांव में आप देखिए तो चार चक्के की गाड़ी है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है। तो जनसंख्या बढ़ने के बाद हम लोग को फिर उस जनसंख्या के मुताबिक भी विकास करना पड़ता है। इसलिए विकास कभी कमने के सवाल ही नहीं है। आप देखते होइएगा कि पटना पहले की पटना है, तो पटना में भी पहले से भी रोड था, तो अब उसके बाद वहाँ फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए, पुल पुलिया नहीं बनना चाहिए, उसी में लोग जाते, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा ना। आप देख सकते हैं पटना में कि आप कितना पुल बन गया है, ब्रिज बन गया है, फ्लाई ओवर बनाया कि चारों ओर तब भी भीड़ रहता है। उसी तरह हम लोग के गांव इलाके में भी अब काफ़ी जनसंख्या बढ़ गया है, तो उसके लिए भी हम लोग आगे जो भविष्य में क्या होना चाहिए उसके लिए भी काम करेंगे। तो विकास तो कमने का कोई सवाल ही नहीं है। गांव कहीं कहीं छोटा गांव है, उसी में काफ़ी घनी आबादी है, फिर खेत में लोग बस जाते हैं, जा करके कहीं दूर जाके बस जाते हैं, फिर वहाँ तक हम लोग को सड़क निर्माण करना है, पानी देना है, बिजली देना है, या जो भी उसकी आवश्यकता लायक है, तो सरकार को काम करना पड़ेगा। तो विकास को कभी रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी नौजवान हैं या हम आप हैं या हमारे पूर्वज थे, उस समय का जो भी काम था, विकास था, और अभी का जो विकास हो रहा है, अभी नौजवान को चाहिए रोज़गार चाहिए, या रोज़गार नहीं है तो उसके लिए कोई बिजनेस चाहिए, कमाने की स्रोत होना चाहिए। भूमि तो बढ़ेगा नहीं, धरती तो वही है, उसी में हमारी आबादी बढ़ गया, तो आबादी के हिसाब से अब जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या में अब लोग चाहते हैं रोज़गार हो, उसके लिए सरकार कई योजनाएं चलाई हैं, कौशल विकास योजना, उसके तहत लोग को कंप्यूटर की दुनिया हो गया है, कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा, कमाएगा, खटाएगा, आगे बढ़ेगा, तो उससे विकास करेगा। आप देख रहे हैं कभी नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए सरकार जो है उसको 50% हम लोग अनुदान देंगे, 5 लाख रुपये उसको लोन दिया जाएगा, 5 लाख रुपया उसको अनुदान, या अपने रोज़गार करके अपने परिवार बच्चे पर को आगे बढ़ावे। तो विकास रोकने की चीज़ नहीं है, विकास तो बढ़ता ही रहेगा। आप देखते हैं कि पहले गाड़ी से लोग चलता था, पैदल गाड़ी, तांगा गाड़ी से चलता था, अब चार चक्के, टेम्पू, जीप से लोग चलने लगा, अब आप देखते हैं ट्रेन से चलते हैं लोग, अब इतना ही नहीं, अब पटना में आप देख रहे हैं मेट्रो से चलेगा। तो विकास तो एक पे एक होता है, इसलिए विकास तो होता ही रहेगा, नए नए काम होगा। आप देख रहे हैं कि आप गंगा में ब्रिज नहीं था पहले, एक राजेंद्र सेतु था, एक महात्मा गांधी सेतु बाद में 94-95 में शायद बना था, या तो इसके बाद कोई ब्रिज नहीं था, लेकिन उसके विकास के लिए आप देखिए लगातार आपके मुंगेर घाट में निर्माण हो रहा है, सुल्तान घाट गंज में निर्माण हो रहा है गंगा में, फिर गांधी सेतु के समीप बगल में दूसरा ब्रिज की स्वीकृति हो गया, दीघा में नया बना है, फिर दीघा में भी उसके अगेंस्ट में पुल की स्वीकृति हो गया है, फिर आप देख सकते हैं कि ताजपुर बख्तियारपुर का पुल का निर्माण काम चल रहा है। तो यानी एक पुल हो गया तो हम पुल नहीं बनावें, विकास नहीं करें, ऐसा नहीं होता है। जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग को काम भी करना है। तो लगातार हमारा क्षेत्र हो, हसनपुर या जिला हो या राज्य हो, सरकार बनने के बाद एक पे एक नए नए काम रोजगार की तलाश हम लोग करते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को, बच्चे को, आने वाले भविष्य में उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उसकी सुख सुविधा मिले, इसके लिए सरकार काम करती है। आपने इतना विकास करने का काम विगत 10 वर्षों में करते आ रहे हैं और फिर आप वादा भी कर रहे हैं कि हम विकास करने का फिर से हम काम करें, जो विकास की ज़रूरत है उन्हें वहाँ तक पहुँचाने का हम भरपूर प्रयास करें और कर डालेंगे, लेकिन आखिर फिर नाखुश क्यों जनता? देखिए पक्ष और विपक्ष होता है, पक्ष और विपक्ष में कितना भी काम आप करिएगा तो विपक्ष तो नाखुश होगा, स्वाभाविक है। हो सकता है हमारे काम से खुश नहीं होंगे, हमारे नाम से खुश नहीं होंगे, हमारे परिवार से खुश नहीं होंगे, ये भी हो सकता, हमारे पार्टी से खुश नहीं होगा, हमारे
मुख्यमंत्री जी से खुश नहीं होंगे, कुछ जाति पाति का राजनीति करता है तो ऐसे लोग तो नहीं खुश होगा। आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में जो हम लोग का एनडीए गठबंधन था, एनडीए गठबंधन के अब नेता में आप देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के साथ है भारत सरकार में, और यहाँ जो है वो जो है अपने सुख सुविधा के लिए या अपने बिजनेस चलाने के लिए पार्टी अलग कर लिया है। अब उसके लिए तो ना खुद स्वाभाविक है, उसका जो आदमी होगा, उस व्यक्ति का जो आदमी होगा, उस पार्टी के लोग होंगे। आप देख सकते हैं एक महीना पहले एनडीए गठबंधन में था, एनडीए गठबंधन में हो सकता है क्या कठिनाई हुआ, वो तो ऊपर के लोग जाने, वो अलग हो गया। तो स्वाभाविक है जो जिस दल के लोग होंगे, जिस दल से आस्था होगा, जिस व्यक्ति व्यक्ति से आस्था होगा, तो अपने अपने व्यक्ति के विशेष पर आपका विरोध करेगा या उसका सपोर्ट करेगा, यही होता है। नाखुश होने क्या सवाल है, हम किसी को तो कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, किसी को तो हम ठगते नहीं हैं, तो सिर्फ जनता वोट देती है, वोट के बदले हम उस क्षेत्र की विकास करते हैं, काम करते हैं, उसके दुख सुख में हम साथ रहते हैं। आप अभी देखे हैं अभी 11-12 बज रहा है रात्रि, फिर भी हम जनता के यहाँ से आए हैं, उनके निमंत्रण उनके घर पे गए, उनका निमंत्रण हम मुझे दिया तो उनके यहाँ से आए हैं। तो हो सकता है जो कोई आदमी बुलाया नहीं गए या किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो उनको होता होगा मन में कि मेरे यहाँ नहीं आए, फलना बाबू के यहाँ गए, तो ये सब थोड़ा बहुत होता रहता है। लेकिन ये सब बात नहीं है, वो लगातार क्षेत्र में रहते हैं, अपने गरीब गुरबा सारे व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी जो समस्या है सब कुछ करते हैं, फिर भी हो सकता है हमने 100 में 99 काम कर दिया, एक काम हो सकता है हमने नहीं किया, उससे भी उनको तकलीफ हुआ, तो ये सब होता रहता है। मनुष्य हैं हम लोग, यह मनुष्य को कभी संतोष होता नहीं है, किसी भी मनुष्य को संतोष नहीं होता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इतना काम जो हुआ है लगातार इस 10 वर्षों में, हम 10 वर्षों में 70 वर्ष 74 वर्ष आज़ादी को हो गया है, ये 10 वर्ष बनाम 60-62 वर्ष भी पूरा नहीं कर सकता है हसनपुर की जनता के लिए, वो सब समझ रहा है, फिर भी उसमें नाखुश होने वाला हो सकते हैं। तो जिस धर्म फील्ड में आज भी भ्रमण करे थे, तो बहुत लोग का ये भी कहना था कि विगत कई वर्षों से हम लोग का विधायक जी के द्वारा, विधायक जी के यहाँ या और जो भी इससे पूर्व भी विधायक थे उनके यहाँ तक हम लोग कहते कहते थक गए, लेकिन अभी तक हसनपुर को जिला का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। अच्छा देखिए, ये तो जिला का दर्जा देना सीधा MLA को काम नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि विधायक जी इस पर नहीं आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम जानते हैं सरकार की स्थिति, सरकार की संसाधन की व्यवस्था जो है वो सब हम लोग समझ रहे हैं। जनता तो चाहेगा हम पटना इसी हसनपुरे को बना लें, तो ऐसा नहीं होता है। जिला का जब भी बनेगा, इस इलाके का जब जिला का डिमांड है, हम लोग लिख के दिए हैं मुख्यमंत्री जी को, इससे पहले हम लोग सदन में क्वेश्चन किए हैं, तो जब भी कोई बिहार में जिला का स्वीकृति होगा तो हमारे हसनपुर का भी उसमें नाम है होगा। अभी तो कहीं जिला बन नहीं गया जो हमारा हसनपुर नहीं बना है, अब कोई लोग बोलते हैं हम बना देंगे, तो बोलने के लिए तो आज़ादी है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जिला बनाना इतना साधारण बात नहीं है कि मुंह से बोल दे और बना देगा। जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार नहीं चाहेगी तो किसी को कहने से नहीं बनता है, तो जिला बनाना बहुत ही कठिन काम है। फिर भी जब बिहार में जिला नया बनेगा तो हसनपुर का नाम भी रहेगा। तो क्या कहेंगे, अभी सामने कोरोना महामारी भी है और आपके विधानसभा में बहुत ऐसे पंचायत हैं जो बाढ़ की शिकार भी कुछ खेल रहे हैं, लेकिन सामने चुनाव की तैयारी है, क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को या अपने विधानसभा वासियों को हमारे चैनल के माध्यम? अभी अक्टूबर का माह है, हम लोग 2 अक्टूबर को किसान परिवार के लोग, हम लोग 2 अक्टूबर को मक्का रोपते थे, खेती का कार्यक्रम चलता था, लेकिन आज का जो माहौल है, सुबह बिहार नहीं देश स्तर की बात करते हैं, तो आज देखिए प्रकृति का जो लीला है कि आप देखिए लगातार सभी नक्षत्र में पानी हो रहा है, बाढ़ पुनः आ गया है बारिश होने से, तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं आपदा को, लेकिन जब चुनाव आयोग का निर्देश है कि चुनाव समय पर हो, फिर नई सरकार फिर बने समय पर, संवैधानिक चीज़ है, तो इसमें बाढ़ और कोरोना से कुछ लेना देना नहीं है। बाढ़ का स्थिति है तो जहाँ बाढ़ है वहाँ उसकी व्यवस्था होगा, उस हिसाब से वहाँ चुनाव प्रचार होगा, वहाँ पानी है तो नाव की व्यवस्था होकर के चुनाव कराया जाएगा। जहाँ तक कोरोना का सवाल है तो उसके लिए भी चुनाव आयोग का निर्देश है कि सोशल डिस्टेंस, मास्क इत्यादि जो व्यवस्था है करके ही चुनाव करवाया जाएगा। तो समय पर चुनाव होना भी ज़रूरी है ताकि चुनाव के माध्यम से
सरकार बनती है, फिर जनता का सेवा होता है। अगर समय पर चुनाव न हो, सरकार नहीं बने, तो फिर विकास नहीं हो सकता है, जनता का सेवा नहीं हो सकता है। इसलिए चुनाव आयोग का जो नियम है, कानून है, संवैधानिक नियम है, वो नियम का पालन हो रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन की अभी, क्योंकि ये बिहार में अभी हसनपुर विधानसभा समस्तीपुर का हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि राजद के लालू के लाल तेज प्रताप भी आ रहे हैं, तो इसमें सर काफ़ी विसंगतियां भी आपको झेलना पड़ेगा इस चुनाव को लेकर, किससे कहते हैं? हमको कुछ नहीं झेलना पड़ेगा, जो करेंगे भी संगतियाँ उसके साथ झेलना पड़ेगा मुझे क्या। हम लोग तो संत परिवार के आदमी हैं, संत विचार के आदमी, हमारे माता पिता दादा सब संत परिवार के लोग हैं, हम भी उसी परिवार से हैं और मेरा भी कार्यक्रम विचार उसी से है। हम लोग सीधा अपने गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको कोई भी संगतियाँ से मतलब नहीं है। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, जो जिस जैसा कर्म करता उसको फल मिलता है। हम लोग यहाँ जो कर्म किए हैं उसका फल यहाँ की जनता देगी, फिर सरकार हमारा जैसा कर्म किया उसको फल मिलेगा। अब कौन आता है यहाँ नहीं आता है उससे हमको क्या लेना देना है। विपक्ष में कोई आवे, कोई जो भी आदमी आवे, अब तेज प्रताप जी का नाम लेते हैं तब आप इतना समझ सकते हैं कि जो आदमी अपने घर को नहीं चला सकता है, अपने परिवार को भी बढ़िया से नहीं चला सकता है, वह हसनपुर विधानसभा की जनता को क्या देख सकता है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर उनका घर है, अपने घर में जिनको जगह नहीं मिले वो दूसरे घर में क्या जगह मिलेगा। वैसे पार्टी उन लोगों का अपना पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी है यह बिहार में जो हम देख रहे हैं। तो जहाँ से कंपनी चलावे अपना चलाना उनका काम है, इससे मुझे क्या मतलब है। हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के जिस पर मेरा भरोसा है नेता पर, वो हम पर भरोसा किए हैं NDA गठबंधन, तो हमने उस भरोसा पर उनके साथ खड़ा उतरेंगे और यहाँ के जनता के विश्वास पर भी हम खड़ा उतरेंगे। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आवे, कितने बड़े पिता के पुत्र आवे, उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता मालिक है, हम जनता के साथ हैं, इसलिए जनता निर्णय करेगी कि क्या होना चाहिए। तो हम जनता मालिक से अपील किए हैं कि जनता मालिक, जैसा मेरा कर्म है उसके मुताबिक आप फल दीजिए। अगर हम आपका सेवा किए हैं ईमानदारी से, तो आप ईमानदारी से मतदान दे करके पुनः हसनपुर के विकास में हम मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। सीधी सवाल है। तो बने रहिए बीट न्यूज बिहार के साथ। बीट न्यूज बिहार के लिए कैमरामैन रोशन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सोमेश।